साथियों, भाइयों, कामरेडों, बहनों, सभी को हमारे तरफ से लाल सलाम, संग्रामी अभिनंदन। साथियों, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बिहार राज्य कमेटी के द्वारा 12 अगस्त से पूर्व राज्य सचिव कॉमरेड विजयकांत ठाकुर के याद में फेसबुक लाइव, जिसका उद्घाटन हमारे राज्य सचिव कॉमरेड ओदेसी के द्वारा किया गया, यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लगातार पार्टी के द्वारा जन सरोकार के मुद्दे को फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता के बीच लाने का काम किया जा रहा है। आज मुझे जिस विषय पर अपनी बात को रखना है, वह विषय है स्वास्थ्य की जर्जरता और निजीकरण। सबसे पहले स्वास्थ्य के संबंध में जो आम धारणा लोगों की है कि स्वास्थ्य का मतलब बीमारी की अनुपस्थिति का नाम है, जबकि स्वास्थ्य का मतलब बीमारी की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। मतलब स्वास्थ्य का मतलब होता है आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक रूप से जो स्वस्थ है उसको पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। यदि स्वास्थ्य शब्द का हम संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ होता है जो स्वयं में स्थित हो उसे स्वस्थ कहते हैं, और स्वयं में वही स्थित हो सकता है जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसको कोई व्याधि नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं हो, तभी कोई व्यक्ति अपने स्वयं में स्थित हो सकता है। यह हमारी स्वास्थ्य की अवधारणा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई परिभाषा भी स्वास्थ्य की यही है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के संबंध में ये प्रयास जानने का प्रयास करेंगे कि जन स्वास्थ्य की सुविधा भारतवर्ष में और हमारे बिहार राज्य में किस प्रकार की है और इसका इतिहास क्या है। हमारे देश में अनादिकाल से ही वैदिक युग से आयुर्वेद का जन्म, अथर्ववेद के माध्यम से आयुर्वेद निकला और आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति इस देश में काफ़ी विकसित हुई। इस देश में सुश्रुत और चरक जैसे महान चिकित्सक, धन्वंतरी जैसे महान चिकित्सक पैदा हुए, लेकिन ये सारे के सारे राज दरबार के राज वैद्य के रूप में ही प्रतिष्ठित हुए और जन स्वास्थ्य की जो सुविधा थी वह धर्मार्थ कुछ औषधालय खोले गए उसके माध्यम से और गांव के ग्रामीण व्यवस्था के तहत जो लोग थे, कुछ लोग जैसे सर्जरी का काम, घाव का ऑपरेशन करने का काम हम लोगों के बचपन तक गांव के नाई प्राय किया करते थे, और जो स्थानीय वैद्य हुआ करते थे वो अपने स्तर से जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे, और बहुत प्राकृतिक जड़ी बूटियों को आम आदमी भी जानता था जिसके सहारे अपने वो इलाज करता था, जिसको हम लोग अपने लोकल भाषा में खरभूसिया दवाई कहा करते थे। आगे आने वाले दिनों में जब इस देश में अंग्रेजों के शासन आया, ब्रिटिश हुकूमत आई और महामारियाँ फैली, प्लेग फैला, और उसके बाद जन स्वास्थ्य के तरफ ब्रिटिश हुकूमत का ध्यान गया। इसके पहले ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा अनुमंडलीय अस्पताल, जिला अस्पताल और प्रतिष्ठित गांव के जर जमींदार जो थे, उनके रईस जमींदार जो थे, उनके गांव में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पताल खोले गए थे। जब इस देश में प्लेग फैला और करोड़ों करोड़ लोग मरने लगे, तब जा करके जन स्वास्थ्य के लिए ब्रिटिश राज ने डॉक्टर जोसेफ भोर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया, जिस कमेटी ने 1946 में एक रिपोर्ट, सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में एक रिपोर्ट डॉक्टर जोसेफ भोर ने दिया था। तब तक जब देश ये आज़ाद हुआ उसके बाद भी जोसेफ भोर की कमेटी लागू नहीं हो पाई, और भारत सरकार के द्वारा जब पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई और जब प्रखंड बनाए तो प्रत्येक प्रखंडों में एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, और एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक दो स्वास्थ्य उपकेंद्र को खोला गया, और इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों के सहारे ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था चलाने का काम किया जाने लगा। आज भी बिहार के एक तिहाई ग्रामीण जनता को किसी भी किस्म की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। आगे आने वाले दिनों में जन स्वास्थ्य के संबंध में भारत सरकार के द्वारा मुदालियर कमेटी, सहायक कमेटी, कई कमेटियों का गठन किया गया, और अंततः सन 1978 में अल्माता में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कन्वेंशन हुआ, जिस कन्वेंशन में ये तय किया गया कि सन 2000 ईस्वी तक सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस अल्माता डिक्लेरेशन के आलोक में सन 2000 ईस्वी में 4 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक
ढाका में एक लोक स्वास्थ्य संसद का आयोजन किया गया था और भारत की सरकार ने भी जन स्वास्थ्य को आम जन तक पहुंचाने के लिए छठवां पंचवर्षीय योजना में एक निर्णय लिया गया और उसके आधार पर ये बनाया गया कि 5000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला जाएगा, 30000 की आबादी पर एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पहाड़ी क्षेत्रों में 20000 की आबादी पर एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा और 1,00,000 से लेकर के 1,20,000 की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 30 शैया वाला एक सुसज्जित अस्पताल खोला जाएगा जिसको FRU प्रथम रेफरल यूनिट के रूप में मान्यता दी जाएगी। साथ ही साथ प्रत्येक अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल, प्रत्येक जिला में जिला अस्पताल और 50,00,000 की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया गया और इस दिशा में कार्रवाई शुरू की गई। अभी जब हम नज़र दौड़ाते हैं कि क्या स्थिति है तो अभी हम पाते हैं कि भारत में 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा पर कोई पहुंच नहीं है। 18 करोड़ 50 लाख लोगों को पीने का पानी मयसर नहीं है, 46 करोड़ 50 लाख लोगों को सफाई की न्यूनतम सुविधा उपलब्ध नहीं है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं जो दुनिया के सभी कुपोषित बच्चे के 40% कुपोषित बच्चे भारत में पाए जाते हैं, 2 करोड़ 60 लाख बच्चों में से 23 लाख बच्चे 1 वर्ष की कम उम्र के पहले मर जाते हैं, 10 लाख बच्चे डायरिया से मरते हैं, 2 लाख बच्चे टिटनस से मर जाते हैं, 5 में से 4 महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं, 12 लाख माताएं प्रतिवर्ष प्रसव के दौरान मर जाती हैं, प्रतिवर्ष 5 लाख लोग TB से मर जाते हैं और 20 लाख से अधिक लोग प्रत्येक साल मलेरिया के शिकार हो जाते हैं। इन तमाम रोगों और बीमारियों से जनता के बचाव के लिए, जन स्वास्थ्य की सुविधा को बढ़ाने के लिए जो IPHS इंडियन पीपल हेल्थ स्टैंडर्ड के मुताबिक जो स्वास्थ्य उपकेंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल, सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम शुरू हुआ था उसके तब तक इस पूरे विश्व में की राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के तहत सेवा के क्षेत्र को भी व्यापार मान लिया गया और ढांचागत समायोजन कार्यक्रम शुरू हुआ। ढांचागत समायोजन कार्यक्रम शुरू होने के बाद स्वास्थ्य को निजी क्षेत्र में भेजने की कवायद शुरू हुई और साथ ही साथ अस्पतालों में फीस आधारित सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराया गया और प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रत्येक मरीज से 1 रुपया, अनुमंडलीय और जिला अस्पताल में 2 रुपया, मेडिकल कॉलेज में 5 रुपया और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे स्वास्थ्य संस्थान में 50 रुपया का टिकट कटाने के बाद ही कोई जनता आज अपना इलाज कराने के लिए बाह्य कक्ष में प्रवेश कर सकती है। ये व्यवस्था शुरू की गई और आज हम जब पूरे भारतवर्ष के स्थिति का आकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि IPHS के अनुरूप कुछ राज्यों में तो केरला जैसे राज्य में, अन्य राज्यों में तो स्वास्थ्य संस्थान खुले, लेकिन भारत के 18 राज्यों में जहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक के अनुरूप स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी वहां पर UPA फर्स्ट की गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट में भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकांश सांसद बाहर से समर्थन देकर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनवाए थे, उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ये तय किया गया था कि 3% GDP का स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। वैसे यदि GDP के खर्च के हिसाब से हम स्वास्थ्य के पर किए जाने वाले खर्च का आकलन करें तो भारत में जो स्वास्थ्य के GDP पर खर्च होता है वह 1.7% अभी है, जो वर्ष 90 के आसपास में वह 0.9% तक पहुँच थी। अभी जब इसमें वृद्धि हुआ है तो 1.7% अभी स्वास्थ्य पर खर्चा हो रहा है। UPA के समय जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना उसके तहत भारत के 18 राज्यों में स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने फंड मुहैया कराया, लेकिन ये व्यवस्थाई रूप के बजाय इस ये सुविधा जनता को राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से उपलब्ध कराने की कवायद शुरू की गई और राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्थाई कर्मचारियों की बहाली करने के बजाय ये सुविधा आउटसोर्सिंग के आधार पर देने की कार्रवाई शुरू की गई और संविदा पर लोगों को बहाल किया गया।
आज जो स्वास्थ्य विभाग में जो बजट आता है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा आउटसोर्सिंग के द्वारा लूट लिया जाता है। एक कुछ उदाहरण के द्वारा हम आपके बीच इसको स्पष्ट करना चाहेंगे। बिहार का 102 एम्बुलेंस का जो परिचालन पूरे देश में होता है, पहले इसका परिचालन जैन एंड वीडियो व्हीकल्स के द्वारा किया जाता था। जब जैन एंड वीडियो व्हीकल्स बहुत लोगों का, चालकों का, तकनीशियनों का काम करा करके पैसा भुगतान करना रोक दिया, तब बिहार के 102 एम्बुलेंस चालक तकनीशियनों ने एक हड़ताल किया और उस हड़ताल के बाद जैन वीडियो एंड व्हीकल्स अपना काम छोड़ करके भाग गया और कई मजदूरों का पैसा लेकर के फरार हो गया। उसके बाद एम्बुलेंस का परिचालन बंद हो गया। एम्बुलेंस का परिचालन बंद हो जाने के बाद जो वहाँ काम करने वाले मजदूर थे उन लोगों ने आंदोलन चलाया और पूर्णिया में सबसे पहले पूर्णिया मॉडल के बना करके जो चालक तकनीशियन थे उन लोगों को रखा गया और आगे आने वाले दिनों में पूरे बिहार में इसका परिचालन रोगी कल्याण समिति के माध्यम से किया जाने लगा। जब रोगी कल्याण समिति के माध्यम से एम्बुलेंस का परिचालन होता था तो 50,000 रुपया एक एम्बुलेंस पर एक महीना में खर्च बैठता था, और जब जैन वीडियो एंड व्हीकल्स के माध्यम से और आज पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से जब ये एम्बुलेंस चलाया जा रहा है तो एक एम्बुलेंस पर 1,20,000 तक आ रहा है। इस बिहार में हजारों एम्बुलेंस चलते हैं और एक एम्बुलेंस आउटसोर्सिंग पर चलाने पर 50,000 से लेकर 70,000 रुपया ज़्यादा खर्च बैठता है और ये सारा खर्च पैसा आउटसोर्सर के पॉकेट में चला जाता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में जितने भी आउटसोर्सिंग के काम चलते हैं, संजीवनी कार्यक्रम के तहत चलने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो काम करते हैं उनको 18,000 रुपया भुगतान करने के लिए उनको मिलता है, जिसमें से 3,000 रुपया है वह 3,000 रुपया है कि उन लोगों को सिस्टम आपूर्ति किया जाएगा उसके लिए दिया जाएगा, 3,000 रुपया उनका ईपीएफ कटेगा, लेकिन सिस्टम की आपूर्ति नहीं करने के बावजूद भी आउटसोर्सर सभी डाटा ऑपरेटर का 3,000 रुपया काट लेता है। इस तरीके से बिहार में काम करने वाले हजारों हजार जो डाटा ऑपरेटर्स हैं प्रति माह 3,000 रुपया उसका सिस्टम का और 3,000 रुपया जो ईपीएफ का कटता है वह जमा नहीं होता है। इस तरीके से प्रत्येक महीने करोड़ों करोड़ों रुपया ठेकेदारों के लिए द्वारा लूट लिया जा रहा है। साथ ही साथ संस्थानों में साफ सफाई का काम, सुरक्षा का काम, रोशनी आपूर्ति का काम, ये तमाम काम आउटसोर्सिंग के द्वारा कराया जा रहा है। अस्पतालों में साफ सफाई करने वाले पुरुष और महिला कर्मियों को मात्र 3,000 रुपया से लेकर के 5,000 रुपया तक का भुगतान होता है, जबकि एक व्यक्ति पर 14-15,000 रुपया की निकासी की जाती है और उस निकासी में से उसका ईपीएफ कटौती भी शो किया जाता है, लेकिन किसी का ईपीएफ कटौती न जमा हो रहा है न हिसाब हो रहा है। इस तरीके से जो राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जो स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जो कोशिश की जा रही है वह आम जनता तक वो कोशिश करने के बावजूद भी वो सुविधा नहीं पहुंच रही है और मजदूरों का शोषण हो रहा है और राजस्व का लूट हो रहा है। दूसरे तरीके से यदि हम देखें तो जो स्वास्थ्य की सुविधा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, अभी अभी अखबारों में बात आई है कि एक मुजफ्फरपुर के मुसहरी पीएससी में एक 60 वर्ष से ऊपर की महिला को 13 महीना में 8 बार बच्चा पैदा दिखा करके और 1400 रुपया के हिसाब से जो पैसा का भुगतान होता है वो पैसा का भुगतान उसके खाते में गया और उसको पता भी नहीं चला और उस खाते से वो पैसा निकाल लिया गया। इस तरीके से ये कार्रवाई, पूरे लूट की कार्रवाई चल रही है। अब हम यदि बिहार के की स्थिति को देखते हैं तो हम पाते हैं कि आज यदि बिहार की आबादी 12 करोड़ के आसपास है, करीब 13 करोड़ पहुंच गई है, उस हिसाब से जब हम देखते हैं तो 5,000 के आबादी पर स्वास्थ्य एक उपकेंद्र होना चाहिए, उस हिसाब से 12 करोड़ पर 24,000 बिहार में स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए और एक उपकेंद्र पर 2 ANM के हिसाब से 48,000 ANM की संख्या बिहार में होनी चाहिए। इसी तरीके से 30,000 की आबादी पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1,20,000 की आबादी पर एक 30 सैया वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना चाहिए, जबकि बिहार में इसके एक चौथाई के बराबर भी न तो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं और न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं। मात्र बिहार में 176 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बना है लेकिन वहाँ पर चिकित्सक नहीं हैं, वहाँ पर स्टाफ नहीं है।
आज जब हम चिकित्सक का स्थिति देखते हैं तो 10,000 चिकित्सक की आवश्यकता है, यहाँ बिहार में मात्र 4,000 चिकित्सक काम कर रहे हैं। 10,000 में 4,000 चिकित्सक हैं, और साथ ही साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनका घोर अभाव है। और ये घोर अभाव के बावजूद अभी तक जो स्वीकृत रिक्त पद हैं, उन स्वीकृत रिक्त पदों को भी सरकार के द्वारा नहीं भरा जा रहा है। इसलिए आज अस्पतालों में न तो दवाई है, न स्टाफ है, न चिकित्सक है, न जांच की व्यवस्था है। इस दौर से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था गुजर रही है। पूरे भारतवर्ष में अभी 6 लाख परिचारिकाओं की आवश्यकता है, लेकिन कहीं भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। एम्स जैसा बिहार का प्रतिष्ठित संस्थान, जहाँ पर परिचारिकाएँ, उनकी नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि उन लोग भी बेदी एंड बेदी कंपनी के आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं, और उनको मात्र 39,000 रुपया का भुगतान किया जा रहा है। अब हम दवा के बारे में विचार करेंगे कि दवा की क्या स्थिति है। भारतवर्ष में पेटेंट एक्ट 1970 लागू था। जिस पेटेंट एक्ट 1970 के तहत ये व्यवस्था थी कि कोई भी नया साल्ट का फॉर्मुलेशन आएगा, कोई भी नया दवा का प्रोडक्शन होगा, तो उसके 7 साल बाद उसके बनाने की विधि को बदल करके, उसका केवल बनाने की विधि प्रोसेस 7 साल के लिए पेटेंट होता था, और उस 7 साल के बाद बनाने की विधि को बदल करके, चूँकि प्रोडक्ट पेटेंट नहीं था, हम दूसरे नाम से नई दवा उस फार्मूला पर बनाते थे, जिस कारण भारत में सबसे सस्ती दवा उपलब्ध थी। लेकिन पेटेंट एक्ट में नौदारवादी नीति लागू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी और अंतर्राष्ट्रीय दवा व्यापारियों के दबाव में भारत की सरकार ने पेटेंट एक्ट में परिवर्तन कर दिया, और आज 20 साल के लिए कोई नया फॉर्मुलेशन, नया साल से कोई भी दवा बनेगा तो 20 साल तक के लिए दवा बनाने की विधि, प्रोसेस, प्रोडक्ट और एक्सक्लूसिव मार्केट तीनों का पेटेंट हो जाएगा। और 20 साल तक एक ही कंपनी यदि दवा को लगातार बनाएगी तो कितना दवा के दाम में बढ़ोतरी होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि दवा के दाम में बहुत ज़्यादा उछाल आया हुआ है। भारत सरकार के द्वारा मात्र कुछ दवाओं के मूल्यों पर अपना नियंत्रण रखा गया है, बाकी जितनी भी दवाएं हैं मनमाने ढंग से बेचा जा रहा है। जेनरिक दवा का उदाहरण और ब्रांडेड दवा का उदाहरण आपके सामने है। जो ब्रांडेड दवा 100 रुपया में एक टैबलेट मिलता है, वहीं 10 रुपया में एक टैबलेट जेनरिक उपलब्ध हो सकता है। लेकिन जो जेनरिक दवाएं बनती हैं उस पर जो MRP छपा होता है वो जेनरिक में लागत मूल्य से कई गुना ज़्यादा होता है। यदि आप जाकर के जेनरिक दवाएं बिना बिल का खरीदिएगा तो सेट्रिजिन टैबलेट 20 नया पैसा में मिलेगा, 10 सेट्रिजिन टैबलेट 2 रुपया में मिलेगा। लेकिन यदि आप उसका बिल कटवाइएगा तो जेनरिक दवा भी 20 रुपया में मिलेगी। इसलिए सरकार यदि जो लागत मूल्य है दवा का, उस लागत मूल्य के आधार पर वो कितना एक मुनाफा तय करके दवा का एक दाम सरकार यदि तय करे, तब जा करके सस्ती दवा जनता को उपलब्ध हो सकती है। साथ ही साथ जो अस्पतालों में काम करने वाले फार्मासिस्ट हैं, जो बैचलर फार्मेसी किए हैं, जो मास्टर डिग्री किए हैं, उनकी यदि नियुक्ति करके अस्पतालों में दवा का प्रोडक्शन शुरू किया जाता छोटे छोटे स्तर पर, तब जा करके सस्ती दवा उपलब्ध होती। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों के दबाव के कारण और नए पेटेंट एक्ट आने के कारण आज भारत सरकार की जो दवा कंपनी थी IDPL, वह IDPL बंद हो चुका है, और तमाम दवा बनाने के लिए भारतीय कंपनियों को भी विदेशों से क्रूड ड्रग यानी रॉ मटेरियल को बाहर से मंगाना पड़ता है, और इस कारण ये दवाएं महंगी हो जाती है। साथ ही साथ नए दवा के शोध करने के लिए न तो सरकारी स्तर पर प्रोत्साहन है, और न यहाँ की कंपनियों के पास, पूंजीपतियों के पास उतना पैसा है कि वो नए साल्ट का खोज करके नए दवा का निर्माण कर सके। इसलिए आज जो स्वास्थ्य की हालत है, स्वास्थ्य का जो जर्जरता है, तो पहले से ही संस्थानों का अभाव था, स्टाफ का अभाव था, दवा का अभाव था, चिकित्सक का अभाव था, पैरामेडिकल का अभाव था। सरकार के द्वारा संस्थानों को खोलने के बजाय, संस्थान में पैरामेडिकल बहाल करने के बजाय, दवा का उत्पादन सरकारी क्षेत्रों में करने के बजाय, पूर्णतः सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजीपतियों के दबाव में तमाम नीतियों को सरेंडर करके स्वास्थ्य को एक सेवा के विषय के बजाय स्वास्थ्य को एक व्यापार और मुनाफा का वस्तु बना दिया है। जब महामारियाँ फैलती हैं
उस समय अभी जैसे कोविड-19 महामारी फैला है, ये जो पैंडेमिक फैला हुआ है, उस पैंडेमिक में हम देखते हैं कि जहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार के हाथों में, जन स्वास्थ्य जहाँ पर सरकारी स्तर पर हो रहा है, वहाँ मरीजों की संख्या कम है, वहाँ कोविड-19 के लोगों का क्योर होने का दर अच्छा है। पूरे विश्व स्तर पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो चीन जहाँ पर सबसे पहले वुहान में कोविड-19 का मरीज पाया गया, सबसे ज़्यादा सीमा वियतनाम की चीन से लगी हुई है धरातल पर, लेकिन वियतनाम में एक भी कोविड-19 से रोगी नहीं मरा। क्यूबा जैसा देश, छोटा देश, यहाँ का जन स्वास्थ्य काफ़ी विकसित है, वहाँ कोविड-19 नियंत्रित भी रहा और वहाँ के चिकित्सक, वहाँ के नर्सें, वहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ जा करके इटली वगैरह अन्य देशों में भी जनता की सेवा करने का काम किया। भारत में सबसे पहले कोविड-19 का रोगी केरल में पाया गया, लेकिन आज केरल की जन स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकारी क्षेत्र में होने के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र में होने के कारण आज वहाँ की स्थिति सबसे बेहतर है। सबसे अच्छे ढंग से उसने कोविड-19 के मरीजों को उपचार किया, क्वारंटाइन किया, टेस्ट किया और तमाम चीज़ों को कर करके उसने सबसे पहले वहाँ से कोविड-19 भगाने का काम किया। उस परिस्थिति में जब हम बिहार में आते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ जनसंवाद मंच पर के माध्यम से जब हम अपनी बात को रख रहे थे अप्रैल के महीने में, उस समय हमने कहा था कि यहाँ पर जिला स्तर पर जांच होनी चाहिए, लेकिन आज अगस्त में आकर के, जुलाई में जिले स्तर पर और आज अगस्त में आकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर जांच करने की प्रक्रिया किट के माध्यम से शुरू की गई है। आज अस्पतालों में वेंटिलेटर का अभाव है, ऑक्सीजन का अभाव है, कोविड-19 के इलाज करने के लिए अस्पतालों का अभाव है। शुरू से लगातार हम लोग कह रहे थे कि जिस तरीके से प्रकाश पर्व के दौरान टेंट सिटी बना करके इलाज किया गया, उस तरीके से टेंट सिटी बना करके मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ जो जांच का काम, जो सुपर स्पेशलिटी पटना के अस्पताल हैं, गर्दनी बाग अस्पताल, गार्डनर रोड अस्पताल, शास्त्री नगर अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में संक्रमित लोग जांच कराने पहुँच जाते हैं, इसलिए सुपर स्पेशलिटी के लोग वहाँ पर नहीं जा पाते हैं। इसलिए ये भी सुझाव दिया गया था कि इसको मैदान में टेंट लगा करके इसका इलाज कराया जाए, लेकिन बहुत देर के बाद अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर इलाज हो रहा है और भारत सरकार के सेना के सैन्य विभाग के द्वारा बेटा और मुजफ्फरपुर में अस्पताल बना करके इलाज करने की व्यवस्था की गई है। ये कुछ आंकड़े आपके बीच हमने रखा कि किस तरीके से पूरे भारतवर्ष में और बिहार में यहाँ लोग रोग से मर जाते हैं। ये आंकड़ा फिगर है कि प्रत्येक साल करीब 4 करोड़ लोग इसलिए गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाता है और जो जनता स्वास्थ्य पर खर्च करती है उसका 70% खर्चा वो उसको प्राइवेट संस्थानों के माध्यम से करना पड़ता है। भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की गई है, उस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य को सरकारी स्तर पर उपलब्ध कराने के बजाय कैशलेस बीमा के माध्यम से प्राइवेट नामित अस्पतालों से में जनता को इलाज कराने के लिए भेजा जा रहा है। पहले 30,000 रुपया का बीमा था, वो 30,000 रुपया का कार्ड मिलता था, वो कार्ड के सहारे लोग जा करके इलाज कराते थे। इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया और ये बहुत बड़ा घोटाला ये सामने आया कि बिहार के नालंदा में, समस्तीपुर में और कई जिलों में जाली ऑपरेशन दिखा करके चिकित्सकों ने पैसे को उठा लिया और उसमें जो औरतों के गर्भाशय का ऑपरेशन सबसे बड़ा ऑपरेशन हिस्टेक्टोमी है, वो पुरुषों का नाम भर करके गर्भाशय का ऑपरेशन करके पैसा निकाल लिया गया। जैसे कभी हमने बताया कि मुजफ्फरपुर में 68 वर्ष की महिला को 13 महीने 8 बार बच्चा पैदा दिखा करके राशि लूटी गई है। इस तरीके से निजी अस्पतालों जो नामित किए गए उनके द्वारा ऐसे पैसे लूट लिए गए और अभी जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो नई योजना शुरू की गई है जिसमें 5 लाख रुपया जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपया इलाज के लिए दिए जा रहा है, इस इलाज में भी व्यापक पैमाने पर लूट पाट हुआ है
और इसके तमाम उदाहरण सामने आए हैं कि एक ही परिवार के छत्तीसगढ़ में एक ही व्यक्ति का 10-10 बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन दिखा करके पैसे की निकासी की गई है। इस तरीके से जो निजी संस्थान हैं उनके हालत के बारे में हम क्या बयां करें। आप सब जानते हैं कि जो निजी अस्पताल हैं, अभी बिहार में कोविड-19 के लिए निजी अस्पतालों को नामित किया गया और उनके रेट तय नहीं किए गए। एक एक कोविड के मरीज से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपया 8 दिन, 7 दिन में वसूला गया। प्रत्येक दिन साधारण मरीज जो वेंटिलेटर पर नहीं रहता था उससे भी करीब 50,000 रुपया रोज के दर से रुपये की वसूली की गई। जो निजी अस्पताल हैं, जो नर्सिंग होम है, वो नर्सिंग होम में आउटडोर नहीं चलता है, ओपीडी नहीं चलता है। साथ ही साथ रोग से बचाव के लिए जो टीकाकरण होता है, वैक्सीन होता है, या महामारी फैल जाने पर जो इलाज का काम होता है वो काम वो नहीं करते हैं, बल्कि वो रोगी का इलाज भर्ती करके और जो रोगी ठीक ठाक भी है उसको जबरन आईसीयू में रख दिया जाता है, वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया जाता है और मरने के बाद भी उसको जिंदा कह करके ब्रेन डेड होने के बाद भी मरीज को रखा जाता है और जब तक वो पूरा पैसा नहीं देता है तब तक लाश भी नहीं देने दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं अखबारों के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपने सुना होगा और आपने देखा होगा। ये पैंडेमिक कोविड ने इस बात को प्रमाणित कर दिया पूरे विश्व में कि जहाँ पर जन स्वास्थ्य सार्वजनिक क्षेत्रों में है वहाँ पर अच्छी व्यवस्था हुई और सरकार के लाख दबाव डालने के बावजूद भी एक भी निजी चिकित्सक और एक भी निजी अस्पताल वाले अपने अस्पताल को खोल करके कोविड-19 का इलाज करना तो दूर, उल्टे इन लोगों ने साधारण ढंग से भी कि साधारण रोगियों का भी, किसी भी रोग से ग्रसित मरीज का इन लोगों ने इलाज नहीं किया और कई कई रोगी पटना में आकर के बिना इलाज कराए घूमते घूमते कहीं वो एडमिट नहीं, वो मर गए। और ऐसे में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की चिकित्सक की पत्नी, अरवल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का भाई, गृह विभाग का और सचिव पद पर काम करने वाला व्यक्ति, ऐसे बड़े बड़े सुखदार व्यक्तियों का जब इलाज नहीं हो पाया तो आम व्यक्ति की क्या बात कही जा सकती है। ये स्थिति निजी क्षेत्रों का है, ये प्रमाणित हो चुका है कि निजी क्षेत्र से कभी भी जन स्वास्थ्य का काम नहीं किया जा सकता। इसलिए संविधान की धारा 21 जो कहती है कि सभी को जीने का अधिकार है और सभी को जीने का अधिकार वो देती है, इसलिए संविधान के धारा 21 में जब सबको जीने का अधिकार है तो कोई इलाज के बिना नहीं मरे, कोई दवा के बिना नहीं मरे, कोई भोजन के बिना नहीं मरे, कोई स्वच्छ पानी के बिना नहीं मरे, साफ सफाई के बिना नहीं मरे, ये व्यवस्था भी करना सरकार की जिम्मेवारी है और जन स्वास्थ्य सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है। इसलिए भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये लगातार ये मांग करती आ रही है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र को सार्वभौमिक बनाया जाए और जन स्वास्थ्य सार्वभौमिक बना करके सरकारी क्षेत्र के माध्यम से सभी को उपलब्ध कराया जाए, स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए और WHO के रिकमेंडेशन के मुताबिक GDP का 5% स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाए। साथ ही साथ कई देशों ने निजी अस्पतालों का सरकारीकरण और अधिग्रहण किया है, इस विश्व के कई देशों ने, उस तरीके से भारत के अंदर भी जो प्राइवेट संस्थान हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, इन तमाम का सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाना चाहिए। जिस तरह से आज़ादी के बाद राजे रजवाड़ों का राज अधिग्रहण कर लिया गया, कोयले का अधिग्रहण कर लिया गया, बैंक का अधिग्रहण किया गया, बीमा का अधिग्रहण किया गया, उस तरीके से स्वास्थ्य का भी अधिग्रहण कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आज जो इस देश में उल्टी गंगा बहाई जा रही है, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है उसको बेचे जा रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र को भी निजी क्षेत्रों में सौंपने की कवायद तेज है। आज जयप्रभा अस्पताल की जमीन कौड़ी के मोल में दे करके वहाँ मेदांता अस्पताल को खुलवाया जा रहा है, जिसके शिलान्यास के समय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रीगण वहाँ भाग लिए थे। इसलिए पार्टी की अस्पष्ट राय है और अस्पष्ट कार्यक्रम में शामिल है कि स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। स्वास्थ्य विभाग में एक तो काम करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या कम है, नर्सिंग स्टाफ की संख्या कम है और जो काम करने वाले हैं उनके हालात यह है कि भारत सरकार
कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि जो कोविड-19 के कोरोना वॉरियर्स हैं उनका समय पर वेतन नहीं देना यह अपराध की श्रेणी में आएगा। भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा पत्र जारी करके तमाम मुख्य सचिव को ये निर्देश दिया गया है कि समय पर वेतन उपलब्ध कराया जाए। संविधान के धारा 21 के तहत सभी को जिंदा रहने का अधिकार है। इसके तहत खाना के लिए, भोजन के लिए समय पर पैसा मिले ये जरूरी है और कोरोना से बचने के लिए सुरक्षात्मक किट के साथ साथ पौष्टिक आहार जरूरी है। लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग में बिहार में काम करने वाले 2019 के सितंबर महीने में बहाल हुई ANM को अभी तक वेतन नहीं मिला। सितंबर से लेकर ये अगस्त चल रहा है, सितंबर आने वाला है, करीब एक साल से वो बिना वेतन का रह रही हैं और मई महीने से जो पहले से अस्थायी हुई महिला कर्मी हैं उनका किसी का वेतन मई से और कुछ लोगों का अप्रैल 2020 से वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है कि आप हड़ताल में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट कहता है कि हड़ताल में आपको जाने का अधिकार नहीं है। संविधान की धारा 21 के तहत आप किसी को भी, कोर्ट कहता है कि स्वास्थ्य सुविधा से महरूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको जिंदा रहने का हक है, तो क्या वेतन के बिना किसी को, मजदूरी के बिना किसी को, इलाज के बिना किसी को जीवन से महरूम किया जा सकता है? आज ये सवाल है। कल जब स्वास्थ्य कर्मियों ने सामूहिक शिष्टमंडल के माध्यम से सिविल सर्जनों को मांग पत्र सौंपने का काम किया कि वेतन दिया जाए, तो पटना जिला के सिविल सर्जन के द्वारा उनको पूर्व सूचना के बावजूद वो मांग पत्र लेने नहीं आए और उन्होंने बैठ करके, वहाँ जो कर्मचारी बाहर बैठ करके इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे, कब मांग पत्र लेंगे, उनका मांग पत्र नहीं लिए और ज़बरदस्ती बाहर निकल करके बिना मांग पत्र लिए जाने लगे और कर्मचारियों के द्वारा नाराबाजी करने पर कर्मचारी नेताओं पर, तीन तीन कर्मचारी नेताओं पर उन्होंने जाली प्राथमिकी दर्ज किया है। और इस तरीके से कहीं भी आंदोलन होता है उस आंदोलन को सरकार के द्वारा दबाया जाता है। अंत में हम अपनी बात को कंक्लूड इस आधार पर करना चाहेंगे कि हम सभी आपसे अपील करना चाहते हैं हम कि इस देश की तमाम जनता को एक जन अभियान चला करके स्वास्थ्य को संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल करते हुए कराने के लिए और यह सुविधा सरकारी संस्थानों में सरकारी कर्मचारी, सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970 जिसमें व्यवस्था है कि जो अस्थायी प्रवृत्ति के विभाग हैं वहाँ पर ठेका संविदा पर बहाली नहीं हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले सभी संविदा कर्मी, सभी ठेका के कर्मी, सभी आउटसोर्सिंग के कर्मी और स्कीम वर्कर्स, आशा, ममता, कुरियर, सभी की सेवा को सरकारी सेवा घोषित करना चाहिए। सभी को मजदूर का दर्जा स्कीम वर्कर को देते हुए उनको न्यूनतम 21,000 रुपया की वैधानिक मजदूरी देनी चाहिए। इस जन अभियान में बिहार की आम जनता का सहयोग अपेक्षित हम करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि आप इसमें हमें सहयोग करेंगे। एक बात और रख करके हम अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। जब बिहार में पारा मेडिकल की कमी है, जब बिहार में नर्सिंग स्टाफ की कमी है और यहाँ पर संस्थान की कमी है, तो बिहार सरकार के द्वारा करीब 400 करोड़ रुपया नर्सिंग संस्थानों को विकसित करने के लिए, नर्सिंग स्कूल खोलने के लिए बजट का एलोकेशन किया गया, लेकिन अभी तक कहीं भी किसी भी जिले में नर्सिंग स्कूल चालू नहीं किए गए। साथ ही साथ जो प्रयोगशाला प्रवेदिकी बिहार में संस्थान नहीं होने के कारण बिहार के बाहर जिन लोगों ने अध्ययन करके 10 से 12 साल तक बिहार में संविदा पर नौकरी किया है, जब अस्थाई बहाली की बात आई है तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि जो बिहार के रहने वाले लड़के बिहार के बाहर से अध्ययन किए हैं उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। इस तरीकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग में जो गैर संविधानेतर काम हो रहा है, जो GNM के सेवा संवर्ग नियमावली में उच्चतर डिग्री धारियों को जो नियुक्ति का मौका नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग में जो गैर संविधानेतर नियम बना करके जो शोषण दमन चलाया जा रहा है, इसके लड़ाई जो कर्मचारी संगठन लड़ रहे हैं इसमें भी आपका सहयोग अपेक्षित है। और पुनः आपसे स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल कराने की लड़ाई के साथ साथ तमाम निजी अस्पतालों को सरकारीकरण करने की अपील करते हुए आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद।